ऑल राइट सर, यस कैसे हैं आप लोग? आइयो आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो को लेकर के हर डार्क स्किन लड़कों के लिए। तो मेरे भाइयों, हम जब भी कपड़े पहनते हैं तो हम जल्दीबाजी के चक्कर में हमें जहाँ भी जाना होता है हम कपड़े पहन के चले जाते हैं, और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में हम अपने ड्रेसिंग सेंस और स्किन और ओवरऑल बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसी फैशन मिस्टेक के चक्कर में धीरे धीरे हम अंत में एक छपरी बंदे दिखने लगते हैं। तो अगर आप भी एक छपरी नहीं बल्कि आप लोग गुड लुकिंग और मॉडल बंदा बनना या दिखना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हर काले और सामने लड़कों के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, वी नेक एंड प्रिंटेड टी शर्ट। तो मेरे भाइयों देखो, ये पॉइंट हर पतले काले और सांवले लड़कों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखो अगर मैं वी नेक टी शर्ट की बात करूँ तो ये वी नेक टी शर्ट पतले लड़कों पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे पतले लड़कों को देखा है जो वी नेक टी शर्ट पहनते हैं। तो मैं उन पतले लड़कों को बता देना चाहता हूँ कि वी नेक टी शर्ट जो थोड़ा मस्कुलर और जिनकी अच्छी खासी बॉडी होती है उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, ना कि पतले लड़कों पे। और अगर मैं प्रिंटेड टी शर्ट की बात करूँ तो इस टाइप के प्रिंटेड टी बहुत ही घटिया होते हैं, ये ना देखने में अच्छे लगते हैं ना पहनने में अच्छे लगते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ इस टाइप के प्रिंटेड टी शर्ट मत लो, और अगर आप लोगों को ट्रेंडिंग प्रिंटेड टी शर्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं उस पे अलग वीडियो बना दूंगा हर काले और सामने लड़कों के लिए। और मिस्टेक नंबर 2, ओवर साइज जींस। तो मेरे भाइयों, आज के इस मॉडर्न जमाने में भी मैंने बहुत से लड़कों को कुछ इस तरह के ओवर साइज जींस पहनते हुए देखा है, जो कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा फैशन मिस्टेक डालता है, जिससे आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी पर्सनालिटी अनअट्रैक्टिव दिखने लगती है। तो आप लोग इन फैशन स्टाइल्स को वेयर मत करो, बल्कि आप लोग कुछ इस तरह के मैन एंकल जींस और पैंट ले सकते हो, और आपको इन मैन एंकल वाले जींस को ही पहनना चाहिए, जो कि ये आपको काफी ज्यादा सेक्सी दिखाएंगे, ट्रस्ट मी। और मिस्टेक नंबर 3, सनस्क्रीन ना लगाना। तो मेरे डार्क स्किन भाइयों देखो, आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप लोग सनस्क्रीन को छोड़कर महंगे महंगे आप लोग कुछ इस तरह के फेस वॉश और महंगे महंगे प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हो गोरा होने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर वाले की बनाई हुई चीज कोई खराब नहीं होती है। तो आप लोग अपने स्किन को फेयर नहीं बल्कि अपने स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करो। तो अगर आप लोगों को अपने स्किन को इम्प्रूव करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सनस्क्रीन का यूज करो, ना कि बाजार में जो महंगे महंगे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आए हैं उनको। और चौथा मिस्टेक्स है वॉच ना पहनना। तो मेरे भाइयों देखो, मैंने अभी भी बहुत से अपने कॉलेज में लड़कों को देखा है जो कि वॉच नहीं पहन के आते हैं, बल्कि उन लोग वॉच की जगह लेदर ब्रेसलेट और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या छपरी वाली चीजें पहनकर आते हैं, जिससे वह पूरा छपरी दिखने लगते हैं। तो अगर आप भी वॉच ना पहनकर कुछ इस तरह के ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो तो आप लोग इन छपरी चीजों को आज से ही पहनना बंद कर दो, बल्कि आप लोग इसकी जगह एक वॉच पहनो, जो कि आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा। और मिस्टेक नंबर 5, सूज। तो मेरे भाइयों, सूज एक ऐसा एक्सेसरीज है जो आपके पूरे लुक पे चार चांद लगा देता है, बट आज के यंग लड़के कुछ इस तरह के अजीबोगरीब सूज पहनते हैं, जैसे एक लोफर्स ले लेते हैं, बस उसी को स्कूल कॉलेज ट्यूशन पार्टी शादी में पहनकर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोफर सिर्फ शादी और पार्टी में पहनने के लिए बना है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह के मिस्टेक्स करते हो तो आप लोग आज ही इस मिस्टेक को करना बंद कर दो। और अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सा सूज कहाँ पे पहना जाता है तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, तो आप लोग जा करके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का हेल्पफुल वीडियो जो हर काले और सामने लड़कों को फॉलो करना चाहिए। तो आइयो पे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑन कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।